प्यारे मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही आगे बढ़ाएंगे। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, उसके टाइप्स को समझ चुके हैं। हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के कन्वर्जेंसी के लिए पहला कंपेरिजन टेस्ट कम्प्लीट कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर में, और अब आगे बढ़ते हुए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड जो कि नॉर्मली a टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में होता है, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए कन्वर्जेंसी के लिए दूसरा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, और वो दूसरे टेस्ट का नाम है म्यू टेस्ट, राइट। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये म्यू टेस्ट होता क्या है, और जब इस स्टेटमेंट को हम समझ लेंगे तो उसके बाद ये समझेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कंपेरिजन टेस्ट और इसको कब लगाना है, ठीक है। कई बार कई तरह के टेस्ट में बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते भी हैं कि सर कौन सा टेस्ट कब लगाना है, ये समझ में ही नहीं आता है। तो एक तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो खास टेस्ट ही काम करता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा टेस्ट से भी हो जाते हैं, तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा समझ कर, जब आप टॉपिक को समझेंगे। अब आता हूँ मैं इस म्यू टेस्ट के स्टेटमेंट के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, लेट एफ एक्स बी अ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द इंटीग्रल इन द इंटरवल ए टू इन्फाइनाइट। मतलब कि ए टू इन्फाइनाइट में ये जो फंक्शन एफ एक्स है जिसकी कन्वर्जेंसी आपको टेस्ट करनी है उस इंटीग्रल की, उस फंक्शन का बाउंडेड और इंटीग्रेबल होना जरूरी है, ठीक, फॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ लुक, ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, तो ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा इफ देयर इज अ नंबर म्यू ग्रेटर देन वन, जबकि एक नंबर म्यू जिसकी वैल्यू एक से बड़ी हो वो एग्जिस्ट करता हो सच दैट, और इस प्रकार होना चाहिए वो कि अगर हम लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट x रेस टू द पावर म्यू एफ एक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करें तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और म्यू की वैल्यू एक से बड़ी है, आई रिपीट, म्यू की वैल्यू एक से बड़ी है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और म्यू की वैल्यू एक से बड़ी होना चाहिए, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। वहीं अगर यही लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जीरो ना हो या फिर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाए और म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल वन हो, यानी कि एक से छोटी या बराबर हो एक के, तो उस केस में ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट हो जाता है। आई रिपीट, मतलब म्यू की वैल्यू अगर एक से बड़ी ना होकर छोटी हो या एक के बराबर हो और उस केस में ये जो लिमिट है, यही लिमिट है एक्चुअल में, ये एग्जिस्ट करे, जीरो ना हो, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि इनफाइनाइट हो जाती है या माइनस इनफाइनाइट हो जाती है, तो उस केस में भी ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये म्यू क्या है, म्यू एक नंबर है बेसिकली, अब ये नंबर निकालना कैसे है आइए समझ लेते हैं। इस म्यू को फाइंड करने के लिए आपको जो भी फंक्शन दिया होगा एफ एक्स, उस एफ एक्स को देखिएगा, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, यानी कि हर में जो एक्स की हाईएस्ट पावर हो सकती है वो लिखेंगे आप, माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, और उस फंक्शन एफ एक्स का जो न्यूमरेटर है उसमें जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी न्यूमरेटर में उसको माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की पावर से, ठीक, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी फंक्शन एफ एक्स है जब आप उसमें x की पावर म्यू का मल्टीप्लाई करें तो x की जो पावर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो इक्वल हो जाए, ताकि हम उस पावर को कॉमन लेके कैंसिल कर सकें और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकें, बस ये उसका उद्देश्य है। और फिर जो भी इस म्यू की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों म्यू टेस्ट का स्टेटमेंट। ये म्यू टेस्ट ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब आपका जो फंक्शन होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन ना हो, उसमें केवल एक्स की पावर्स हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि वो एक क्या हो, एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो उस केस में ये म्यू टेस्ट ज्यादा फायदेमंद होता है। आई रिपीट, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक या नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया या साइन कॉस टेन हो गया, ये फंक्शन अगर ना हो तो ये टेस्ट उस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए
आपसे कहा जाए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए 0 टू इनफाइनाइट डीएक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर 1/3 इनटू 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1/2। इसका आपको कन्वर्जेंसी का टेस्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में इस इंटीग्रल को देख के ये आएगा कि क्या कौन सा टेस्ट लगाऊं मैं। अगर ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा हो और इसकी वैल्यू कुछ आ रही हो फाइनाइट, तो उस केस में ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट आ रही हो तो डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमारे पास में जो फाई एक्स और एफ एक्स है, ऐसे दो फंक्शंस मिलने चाहिए हमारे पास। तो ऐसी कुछ संभावना यहाँ पर अभी फिलहाल दिख भी नहीं रही है, है ना। तो म्यू टेस्ट लगाना ज़्यादा फायदेमंद है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो आप सबसे पहले तो मान लीजिएगा क्या, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 1/3 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1/2। तो अगर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x की पावर 1/3 और यहां पर x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो टोटल जो हाईएस्ट पावर बनेगी x की डिनोमिनेटर में वो बनेगी कितनी, 1/3 प्लस 1/2 यानी कि 5/6, ये बनेगी हाईएस्ट पावर। और बाकी ऊपर अंश में या न्यूमरेटर में तो x है ही नहीं, तो वहां तो पावर जीरो रहेगी। सो हेयर म्यू इज इक्वल्स टू, हेयर म्यू इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस जीरो, तो इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है ना, राइट। नाउ बाय म्यू टेस्ट हम म्यू टेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और अब इस लिमिट को यूज करने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेस टू द पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके पास में आएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेस टू द पावर 5/6 इंटू एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन x रेस टू द पावर 1/3 इंटू 1 प्लस x रेस टू द पावर 1/2। तो जैसे ही बच्चों आप यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ये x रेस टू द पावर 5/6 डिवाइड बाय, यहां से भी अगर x की पावर 1/2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये x रेस टू द पावर 5/6 और ये 1 अपॉन x रेस टू द पावर 1/2 और प्लस 1 ऐसे बन जाएगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर x की जगह पर जब आप इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, मतलब कि ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल और 0 भी नहीं है। तो भाई ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट म्यू इज इक्वल्स टू कितना है, 5/6 है, जो कि 1 से क्या है, छोटा होता है, 5/6 1 से छोटा होता है। सो बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डीएक्स, भाई एफ एक्स को क्या आपने ऐसे ही माना था, तो ये जो इंटीग्रल है is divergent, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रल होगा बच्चों जो आपको दिया हुआ था, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आपने म्यू की वैल्यू निकाली तो म्यू की वैल्यू 5/6 है जो कि 1 से छोटी है, सो दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं म्यू टेस्ट की मदद से। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। नाउ बच्चों अब इन तीन छोटे से छोटे और आसान से क्वेश्चंस के ऊपर और बात करते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं कि म्यू टेस्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई होगा और कौन सा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और कौन सा डाइवर्जेंट होगा। अगर आप पहले वाले इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो लुक एट दैट, उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक तो गलती है पहले तो, यहाँ पर साथ में एक्स स्क्वायर भी है तो यहाँ पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और ये डीएक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले इंटीग्रल में अगर आप ध्यान से देखें तो जो म्यू की वैल्यू है वो है कितनी, नीचे तो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की 4 इस होल स्क्वायर के कारण और ऊपर हो जाएगी 2, तो ये तो आ गया आपके पास में 2। और जब आप इस लिमिट को कैलकुलेट करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 2, तो डेफिनेटली ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना।
और यहां पर क्योंकि म्यू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी पूरा डिटेल में अच्छे से समझा के आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था पहले वाला, तो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं यहां पर फिलहाल हिंट कर देता हूं आपको हर क्वेश्चन के लिए। तो भाई पहला वाला क्वेश्चन, तो जो पहला वाला इंटीग्रल है वो तो कन्वर्जेंट हो गया। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरे में अगर आप देखें तो जो म्यू है वो म्यू जब निकालने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर x की जो पावर है नीचे तो ये 1/2 और ये x का मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और ऊपर तो है ही नहीं भाई, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई 3/2, मतलब कि ग्रेटर देन 1 आ गई। तो इंटीग्रल जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर ही जाएगी, ओके, बिकॉज यहाँ पे 1/x आ जाएगा और उस केस में ये 1 आ जाएगा, लिमिट जो है वो 1 के आसपास आ जाएगी। तो मतलब कि ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें भी म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये जो सेकेंड इंटीग्रल है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा बच्चों। एंड लास्ट इस थर्ड वाले के ऊपर ध्यान दीजिए, थर्ड वाले में अगर आप म्यू की वैल्यू को निकालने के लिए जाएंगे, इसमें म्यू ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लिमिट तो एग्जिस्ट करी जाती है नॉर्मली, मेन था आपको समझना कि म्यू टेस्ट लगाते कैसे हैं और उसमें म्यू ही क्यों इंपॉर्टेंट होता है, म्यू इंपॉर्टेंट होता है और लिमिट इंपॉर्टेंट होती है, और फिर म्यू की जो भी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाता है। तो अगर आप इसके लिए देखें तो ये जो फंक्शन है इसमें म्यू की वैल्यू होगी नीचे पावर है 4, राइट, और रूट के बाहर आके हो जाएगी 2, मतलब कि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर एक्स की 2 माइनस ऊपर है 3/2, तो 2 में से 3/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा जो कि 1 से छोटा है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब आप लिमिट निकालेंगे एक्स रेस टू द पावर इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर म्यू और एफ एक्स, तो डेफिनेटली ये एग्जिस्ट तो करेगी, है ना, क्योंकि ये ऊपर पावर 2 हो जाएगी और ये आपका a अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 1/√1 यानी कि 1 आएगी लिमिट, तो ठीक है। तो उस केस में बच्चों लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है, और लिमिट एग्जिस्ट करना और म्यू की वैल्यू का 1 से छोटे होना का इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेकेंड वाली कंडीशन बन रही है। तो उस केस में ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों किस तरह से म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड के ऊपर, वो हम लोगों ने समझा। तो आई होप कि ये जो छोटा सा लेक्चर था म्यू टेस्ट के ऊपर आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस के ऊपर म्यू टेस्ट अप्लाई करना है। मेन है म्यू निकालना, लिमिट निकालना, दैट्स ऑल, बाकी काम अपने आप हो जाएगा म्यू टेस्ट की मदद से। म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट, नहीं है तो इंटीग्रल डाइवर्जेंट। और अगर इस सेकेंड केस में जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर होती है, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट ना करे और अगर इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट आ जाए तो भी इंटीग्रल डाइवर्जेंट ही होगा। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने म्यू टेस्ट को समझा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे। हम जल्दी इंप्रॉपर इंटीग्रल के जो अगला वीडियो है जिसमें कि हमें बेसिकली करना कौन सा टेस्ट है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद हम लोगों को एबल्स टेस्ट करना है, तो उस टेस्ट के साथ में आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। आप चाहें तो जो हमारे लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको उसके नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो केवल आपकी सुविधा के लिए है ताकि जो नए वीडियोस आ रहे हैं उससे आप अवेयर रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके काम का हो। हम जल्दी फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।